तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया कि ये ब्लू वाले जो मास्क हैं हमारे, इन मास्क में हम सांस लेते हैं, गरम गरम हवा निकलती है और मॉइस्चर निकलता है, इसकी वजह से बहुत सारे कीड़े इसमें जो छुपे रहते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं हैं, वो बाहर निकल करके आते हैं और शायद उसी वजह से हम ज़्यादा बीमार पड़े। तो आई एम जस्ट हैविंग एन एक्सपेरिमेंट। ये मैंने पानी गर्म किया हुआ है, तो लेट्स ट्राई कि ये बात कितनी सच है। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। कितनी देर में, ये देखिए स्टीम की वजह से कैमरे के ऊपर एक लेयर बन गई है पानी की। लगभग 4.5 मिनट हो चुका है, मैं मास्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई कोई भी कीड़े वगैरह इसमें नहीं दिखाई दिए हैं। दैट कुड बी अ होक्स, बट हो सकता है कुछ के मास्क में कीड़े निकले हों। नो वंडर अगर लोगों ने अपने मास्क को सही से नहीं रखा होगा तो डेफिनेटली कीड़े पड़ सकते हैं। मास्क को भी तो साफ सुथरी जगह पे रखना ज़रूरी है, नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली कीड़े पड़ सकते हैं इसमें। आखिरकार ये भी तो एक कपड़े का ही टुकड़ा है एंड मोस्ट लाइकली इट्स कॉटन, तो कीड़े लग सकते हैं। देखा, पूरा इसको देख लिया अच्छे से, कहीं कोई जो ब्लैक स्पॉट वगैरह है उसको बहुत अच्छे से मैंने देखा है। वो बेसिकली गंदगी का पार्ट था, जैसे यहाँ पर एक दिखा था मुझे ब्लैक स्पॉट, वो गंदगी थी। और भी मैं देख रहा हूँ इसमें, मुझे कहीं कोई कीड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। दिस इज परहैप्स अ होक्स, और हो सकता है इस वाले मास्क को सही जगह न रखने की वजह से कीड़े लग गए हों। जैसे घर में आमतौर पर कपड़ों में, खाने पीने के सामान में, कॉपी किताब में, उन सब में कीड़े लग जाते हैं। ये कुछ ब्लू मास्क हैं मेरे पास में, काफ़ी नए हैं, अभी रिसेंटली लिए हैं और ये सब मैंने ट्राई कर लिए हैं। इनमें से किसी भी मास्क में कोई कीड़ा नहीं निकला है। मैंने बहुत देर तक स्टीम दिया इनको और बहुत देर तक मॉनिटर किया, वीडियो में आपने देखा ही है, उसमें कहीं कोई कीड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि ये सब अफवाहें हों, किसी के मास्क में ये निकल भी सकते हैं, क्योंकि मास्क बेसिकली कपड़ा है। इसको हम लोग अगर साफ सुथरी जगह पर नहीं रखेंगे, एक प्रॉपर एनवायरमेंट में नहीं रखेंगे, तो ये भी ख़राब हो सकते हैं। कीड़े तो सभी जगह लग जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये अफवाहों का बाजार है बेसिकली, इसको ज़्यादा हवा देने की जरूरत नहीं किसी को भी। मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने आप को बचा करके चलें, अफवाहों से बचें, और जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको बताई जा रही है और आपको बहुत कन्विंसिंग लग रही है, तो आप डेफिनेटली उसको या तो एक्सपेरिमेंट कर लें या किसी एक्सपर्ट से उसकी सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही उस चीज़ को ट्राई करें। बहुत सारे नुस्खे हैं मार्केट में, इसमें व्हाट्सएप एकदम यूनिवर्सिटी जैसा बन गया है, बहुत तरीके का ज्ञान बांट रहा है, फेसबुक बहुत तरीके का ज्ञान बांट रहा है, तो उन सब चीज़ों में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। स्टे सेफ और अपने आप को कोरोना से बचा करके रखें। जय हिंद।